नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में यूपीआई को लेकर कुछ बड़ा ऐलान हुआ है। ये ऐलान क्या है और इससे आपको क्या फायदा हो सकता है, इसी को समझेंगे आज प्रवीण सर से। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। तो यूपीआई को लेकर क्या बड़ा ऐलान हुआ है एमपीसी की मीटिंग में? देखिए, कल जब मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हुई और गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो मॉनेटरी स्टेप्स हैं उनका ऐलान किया, उसमें बड़ा ऐलान ये था कि जो रेट है उसमें कोई कटौती नहीं हुई है। यानी अभी आपको अपनी ईएमआई में किसी भी फेरबदल के लिए और इंतजार करना पड़ेगा, अभी ईएमआई का बर्डन कम नहीं होगा। लेकिन आरबीआई ने एक बड़ा प्रस्ताव ऐसा रखा है जो कि देश के करोड़ों यूजर्स को फायदा पहुंचाने वाला है। ये ऐलान है यूपीआई से जुड़ा हुआ। जी हाँ, यूपीआई पेमेंट जो आप दिन ब दिन के रोजाना के आपके लेन देन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक पेमेंट सिस्टम है, उसको लेके आरबीआई ने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव ये है कि अभी आप एक प्राइमरी अकाउंट से एक ही शख्स अपना यूपीआई पेमेंट्स कर सकता है, खरीद फरोख्त कर सकता है या ट्रांजैक्शन कर सकता है। आरबीआई का प्रस्ताव यह है कि अब एक प्राइमरी अकाउंट यानी एक बैंक खाते को आप कई लोगों को दे सकते हैं, कई लोग उससे एक खाते से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं यूपीआई के जरिए। तो इसका बड़ा फायदा देश के करोड़ों लोगों को हो सकता है। अभी देश में अगर मैं बताऊं आपको तो 42 करोड़ से ज्यादा यूपीआई के यूजर्स हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि जो आरबीआई का प्रस्ताव है उससे अब ये दायरा और बढ़ेगा, इसमें नए लोग, इसकी एक तो यूपीआई की पहुंच बढ़ेगी, ये खुद आरबीआई गवर्नर ने कहा है, और इसमें नए यूजर्स ऐड होंगे। इसे आप ऐसे समझो कि इसका फायदा क्या होगा, जैसे माइनर है, कोई 10 साल 12 साल 13 साल का बच्चा है, कुछ बाहर पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं, या गांव देहात में बहुत सारे लोग जिनके पास खाते नहीं है लेकिन उनको पैसा खर्च करना है, आप लेन देन करने जाते हैं, सारी जगहों पे स्कैनर लगे हुए हैं या यूपीआई के जरिए पेमेंट होने की व्यवस्था है, तो वहां अगर आपके पास खाता नहीं है तो अभी आप पेमेंट नहीं कर पाते। अब जिन लोगों के पास खाते नहीं है और जिसके पास खाता है वो अपने फैमिली में उसको मल्टीपल लोगों को, कई लोगों को वो उसका अधिकार दे सकता है, एक्सेस दे सकता है। इससे होगा ये कि आप जिसके पास खाता नहीं है वो भी उस प्राइमरी खाते का इस्तेमाल करके कहीं पे भी यूपीआई पेमेंट कर पाएगा। तो ये एक बड़ा फायदा यूपीआई का होने वाला है। इसका प्रस्ताव अभी आरबीआई ने रखा हुआ है और जल्द ही इसको लागू करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। तो एक बड़ा प्रस्ताव है जिसके बारे में प्रवीण सर बता रहे थे, ये प्रस्ताव और ये यूपीआई की व्यवस्था जितनी जल्दी शुरू होती है उससे क्या रिजल्ट निकल के आता है, लोगों को कितना फायदा होता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपकी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।